वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है। हमारी वीडियो सीरीज टॉप लग्जरी रिजॉर्ट्स इन द माउंटेन्स के एक बेहद ही खास एपिसोड में। इस वीडियो सीरीज के आज इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में छराबड़ा नाम की जगह पर, जहां पर लोकेटेड है शिमला का टॉप लग्जरी 5-स्टार रिजॉर्ट वाइल्ड फ्लावर हॉल। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है और ये शिमला की बहुत ही सीरीन लोकेशन छराबड़ा में देवदार के घने जंगलों के बीच में सिचुएटेड है। जिस टाइम इंडिया ब्रिटिश राज के अंडर हुआ करता था, उस टाइम की ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ लॉर्ड किशनर का रेजिडेंस ये हेरिटेज प्रॉपर्टी वाइल्ड फ्लावर हॉल हुआ करती थी, जिसे आज एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस खूबसूरत प्रॉपर्टी के वर्चुअल टूर पर लेकर चलेंगे और इस लग्जरी 5-स्टार रिजॉर्ट में मिलने वाली सभी फैसिलिटीज से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करें। शिमला का हेरिटेज वाइल्ड फ्लावर हॉल ब्रिटिश राज के टाइम पर बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स का फेवरेट रिट्रीट हुआ करता था, जैसे कि लॉर्ड रिपन और लॉर्ड किशनर। शिमला कुफरी हाईवे पर कुफरी से लगभग 3 किलोमीटर पहले छराबड़ा नाम के गांव में आपको वाइल्ड फ्लावर हॉल की मेन एंट्रेंस देखने को मिल जाएगी। वाइल्ड फ्लावर हॉल के प्राइवेट रोड पर लगभग 1 मिनट ड्राइव करने के बाद आपको इस होटल की पहली झलक देखने को मिलेगी। इस होटल की सरीन लोकेशन और इसका अमेजिंग आर्किटेक्चर आपको बहुत अमेज करेगा। वाइल्ड फ्लावर हॉल की मेन बिल्डिंग के सामने ही आपको एक काफी स्पेशियस और चारों ओर से पेड़ों से घिरी हुई पार्किंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी सिक्योरली पार्क कर सकते हैं और उसके बाद वाइल्ड फ्लावर हॉल के मेन प्रमिसेस में एंटर कर सकते हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल की मेन बिल्डिंग के सामने आपको एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन और लॉन एरिया देखने को मिलेगा। जिस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया आर्मी के कमांडर इन चीफ लॉर्ड किशनर यहां पर रहते थे, तो वो भी अपना बहुत सा टाइम और पैसा वाइल्ड फ्लावर हॉल के गार्डन्स और लॉन्स को डेवलप करने में लगाया करते थे। चलिए वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल की मेन बिल्डिंग के वर्चुअल टूर पर आपको लेकर चलते हैं। इस होटल में मिलने वाली सभी फैसिलिटीज का एक ग्लिम्स हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये है वाइल्ड फ्लावर हॉल का मेन रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया की एम्बियंस आपको हेरिटेज थीम में देखने को मिल जाएगी। रिसेप्शन एरिया के साथ साथ अपना लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत से सिटिंग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वाइल्ड फ्लावर हॉल में स्टे करते हैं तो यहाँ पर आपके अराइवल के टाइम पर आपका बहुत ही वार्म वेलकम किया जाता है। यहाँ के प्रोफेशनल स्टाफ द्वारा ट्रेडिशनल हिमाचल वे में आपका स्वागत किया जाएगा। वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला ओबराय होटल्स ग्रुप का एक लग्जरी होटल है। ईयर 1993 तक हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट इस होटल को रन करता था। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला में आपको लग्जरी और हिमाचली कल्चर का एक खूबसूरत ब्लेंड देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आपके स्टे को परफेक्ट बना सकता है। तो अगर बात की जाए वाइल्ड फ्लावर हॉल के लग्जरी रूम्स और यहाँ के स्टे ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको टोटल 85 गेस्ट रूम्स देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि गार्डन व्यू रूम, माउंटेन व्यू रूम, डिलक्स सूट्स और सबसे टॉप पर आता है लॉर्ड किशनर सूट। आप चाहे वाइल्ड फ्लावर हॉल के किसी भी रूम में स्टे करें, जो यहाँ के सभी रूम्स में आपको कॉमन चीज देखने को मिलेगी वो है बहुत ही खूबसूरत हिमालयन माउंटेन व्यूज। अगर आप लग्जूरियस वाइल्ड फ्लावर हॉल में स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर नाइट अराउंड 40,000 का टैरिफ पे करना पड़ेगा। ये टैरिफ सीजन टू सीजन वेरी करता है और इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए आप वाइल्ड फ्लावर हॉल की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर वाइल्ड फ्लावर हॉल के रिसेप्शन पर कॉल करके आप अपना बुकिंग टैरिफ जान सकते हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल के सभी रूम्स को कॉलोनियल हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो ये तो बात हो गई वाइल्ड फ्लावर हॉल के रूम्स के बारे में, तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं वाइल्ड फ्लावर हॉल के रेस्टोरेंट्स की ओर और देखते हैं कि हमें वाइल्ड फ्लावर हॉल में किस तरीके की रेस्टोरेंट फैसिलिटी देखने को मिलेगी।
खूबसूरत हिमालयन माउंटेन रेंजेस के नजारों को देखते हुए आप वाइल्डफ्लावर हॉल शिमला में अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट शेफ्स द्वारा बनाई गई डेलिकेसीज के साथ साथ ऑल डे फाइन डाइनिंग देखने को मिल जाएगी। डाइनिंग के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, या तो आप बिल्डिंग के अंदर लोकेटेड रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं या फिर आप आउटडोर रेस्टोरेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहां पर एक ग्लास कंजर्वेटरी भी है जिसमें आप अपनी डाइनिंग कर सकते हैं। वाइल्डफ्लावर हॉल शिमला का रेस्टोरेंट एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है जिसमें कि आपको कॉन्टिनेंटल, पैन एशियन और इंडियन डिशेज को खाने का मौका मिल जाएगा। तो वाइल्डफ्लावर हॉल शिमला के रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करने के बाद चलिए अब वाइल्डफ्लावर हॉल शिमला की अगली फैसिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है यहाँ का लग्जरी बार। वाइल्डफ्लावर हॉल के बार का नाम है कैवेलरी बार और यहाँ की थीम है वेयर हेरिटेज स्टाइल मीट्स ओब्रॉय हॉस्पिटैलिटी। तो आप अपने सामने अभी वाइल्डफ्लावर हॉल का लग्जरी बार देख सकते हैं। होटल वाइल्डफ्लावर हॉल के स्ट्रक्चर को कुछ इस वे में डिजाइन किया गया है कि आप चाहे यहाँ के किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, आपको खूबसूरत हिमालयन व्यूज दिखते ही रहेंगे। वही केस यहाँ के बार के साथ भी है, यहाँ से भी आप बेहद खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। वाइल्डफ्लावर हॉल शिमला में आपको एक खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट बिलियर्ड्स रूम देखने को मिलेगा। अगर आप वाइल्डफ्लावर होटल में स्टे कर रहे हैं तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आप यहां पर स्नूकर भी खेल सकते हैं और यहां से भी आपको बेहद खूबसूरत नजारे दिखते रहेंगे। वाइल्डफ्लावर हॉल शिमला का टोटल एरिया लगभग 22 एकड़ के आसपास है, लेकिन यहां की मेन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इस टोटल एरिया के सिर्फ 5% एरिया पर ही की गई है। वाइल्डफ्लावर हॉल शिमला में हमें बहुत सी आउटडोर एक्टिविटीज करने का मौका मिल जाता है। आप अपने सामने अभी यहाँ का लॉन टेनिस कोर्ट देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लॉन टेनिस कोर्ट है जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही ये जो लॉन टेनिस कोर्ट है, सर्दियों के महीनों में जब बर्फ पड़ जाती है तो ये लॉन टेनिस कोर्ट एक आइस स्केटिंग रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस होटल में अपने स्टे के दौरान जो अगली आउटडोर एक्टिविटी हम इंजॉय कर सकते हैं वो है किसी नेचर हाइक या किसी ट्रेल पर जाना। यहाँ पर चारों ओर हमें देवदार के घने जंगल देखने को मिलेंगे, तो हम यहाँ किसी ट्रेल पर जा सकते हैं। बरसात और उसके महीनों के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे जंगली फूल देखने को मिलेंगे और इस होटल का नाम भी वही है, वाइल्ड फ्लावर। तो इस वीडियो में अभी तक हमने इस होटल की सभी फैसिलिटीज को देख लिया, जैसे कि रूम्स, रेस्टोरेंट सर्विसेज, इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़। तो इस होटल के जो आखिरी पॉइंट पर आप जा सकते हैं वो है इस होटल का गजीबो पॉइंट। एक्स्ट्रा चार्जेस दे के आप गजीबो में डिलीशियस फूड और अपनी इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो वाइल्डफ्लावर हॉल अ लग्जूरियस रिजॉर्ट इन शिमला का भी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।